अब हम मल्टीपल के सिलसिले में एक और एग्जांपल पर गौर करते हैं। हमारे पास एक रकम है 3x, इसको मल्टीप्लाई करना है 4x² + 3x - 8 से। बिल्कुल जिस तरह हम आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आम मल्टीप्लिकेशन में हम एक नंबर को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को हमको 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को हमें 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, और 3 को हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल इसी तरीके से अलजेब्रा में भी एक नंबर जो आपको दिया हुआ है, इस एक नंबर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त हम ये बात जहन में रखें कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, और कोफिशेंट कोफिशेंट से मल्टीप्लाई होता है, और बेस बेस से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका प्लस है, इसके प्लस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा प्लस। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि दोनों बेस सेम हैं इसलिए इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3। अच्छा, उसके बाद 3x को अगले इस 3x से मल्टीप्लाई करना है। साइन पहले साइन से मल्टीप्लाई होगी, प्लस प्लस साइन एक जैसी होती है तो प्लस आता है। एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स की पावर 1 है, ये भी एक्स की पावर 1 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस सेम है लिहाजा पावर्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अब 3x को हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से। इसको प्लस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, क्योंकि दोनों साइन मुख्तलिफ हैं लिहाजा माइनस का साइन आएगा। मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होती हैं तो माइनस का साइन आता है। इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 = 24। 24 और x यहाँ है, यहाँ पर x नहीं है, तो x 7 आ जाएगा, x की पावर 1। इसी तरह एक और सवाल है हमारे पास, -8x⁴ को 3x² से, -2x से, और -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मुख्तलिफ साइन है, माइनस आ जाएगा। फिर 8 3 = 24, और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों की बेस सेम है लिहाजा पावर्स ऐड हो जाएंगे, पावर 6। फिर इस माइनस को अगले वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन सेम है, जब एक जैसी साइन होती है तो प्लस आता है। और एक्स की पावर 4 इस एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 5। पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2 = 16, और एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई होके होगी एक्स की पावर 5। अब इस 8x को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके साइन एक जैसी होती है तो प्लस आता है, और एक्स की पावर 8 को पहले इसके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 = 32, और एक्स की पावर 4 यहाँ तो एक्स है ही नहीं, लिहाजा एक्स की पावर 4 एज इट इज़ आ गया। यहाँ एक बात भी हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर किसी ब्रेकेट को माइनस से खोला जाएगा तो उसके ब्रैकेट के अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएंगी। ये साइन प्लस थी, माइनस बन गई, ये माइनस थी, प्लस बन गई, ये माइनस थी, प्लस बन गई। यानी अगर किसी ब्रैकेट को किसी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो माइनस से है, तो अंदर की सारी साइन उलट जाती हैं, जो प्लस होती है वो माइनस बन जाती है, और जो माइनस होती है वो प्लस बन जाती है। एक एग्जाम्पल पर और गौर करते हैं। हमारे पास ये रकम है -5x⁴ y², इसको हमें मल्टीप्लाई करना है अंदर इन चारों रकमों से। तो पहले हम जानते हैं कि हमेशा माइनस करते वक्त साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, इसकी साइन माइनस है, इसकी साइन प्लस है, तो मुख्तलिफ साइन माइनस होके मल्टीप्लाई होके माइनस देती हैं। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर की सारी अलामतें हमें
चेंज करनी है, वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी और माइनस की वजह से सारी साइन चेंज होती जाएंगी। तो ये जो प्लस था इसको हमने कर दिया माइनस, और फाइव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री से, फाइव थ्री ज़ा 15। अब बेस को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर थ्री है, एक्स की पावर वन है, ये दोनों मिलके हो जाएंगे एक्स की पावर फोर, वाई की पावर टू और वाई की पावर फोर मिलके हो गई वाई की पावर सिक्स, वाई की पावर सिक्स। ये वाला माइनस चेंज हो गया प्लस में, क्यों? इसलिए कि बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस या दो एक जैसी साइन मल्टीप्लाई हो गया हमेशा प्लस देती है। इसके कोफिशेंट को कोफिशेंट से भी दिया, फाइव एट ज़ा 40। अब इसके बेस को बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो बेस सेम है उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्स की पावर फाइव और वाई की पावर टू यहाँ है, वाई की पावर वन यहाँ है, वाई की पावर थ्री। प्लस का साइन हमने ऐसे लिखा, सॉरी प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा इसलिए कि बाहर माइनस है। फिर फाइव फाइव ज़ा 25, एक्स की पावर थ्री यहाँ है, एक्स की पावर टू यहाँ है, ये दोनों आपस में मिलकर बेस क्योंकि सेम है पावरें जमा होंगी, एक्स की पावर फाइव और वाई की पावर टू है, वाई की पावर टू है, दोनों मिलके ऐड हो जाएंगी वाई की पावर फोर। माइनस चेंज हो गया प्लस में इसलिए कि बाहर माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस। फाइव थ्री ज़ा 15 और एक्स की पावर थ्री यहाँ एक्स है ही नहीं, एक्स की पावर थ्री ऐसे आ गया और वाई की पावर टू है, यहाँ वाई की पावर टू है, दोनों पावर ऐड हो गई वाई की पावर फोर। तो इस तरह से हम जब भी किसी ब्रैकेट को माइनस से खोलेंगे तो अंदर की सारी साइन चेंज होंगी।